हेलो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर टू भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली दोपिन दो का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है छायांकित कीजिए क्या छायांकित करना है हमें पहला पार्ट दिया गया है बक्सा ए के वृत्तों का एक बटे दो भाग ये हमें एक बक्सा दिया गया है जिसको नाम क्या दिया गया है ए इस बक्से में जो ये वृत्त दिए गए हैं हमने इसका हमने इन वृत्तों का एक बटे दो भाग क्या करना है छायांकित करना है अब देखिए कैसे करेंगे देखिए कहा गया है वृत्तों का एक बटे दो भाग ठीक है तो पहले देख लीजिए कितने वृत्त हैं इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो वृत्त कितने हैं बारह वृत्त हैं ठीक है और का का मतलब क्या होता है गुणा और इसका कितना बटे भाग एक बटे दो भाग अब देखिए इसे काट लीजिए दो एकम दो दो छिके बारह तो कितना आया छ तो इसका मतलब हमने इसमें छः वृत्त क्या करने हैं छायांकित करने हैं तो देखिए हमने छः वृत्त जो है क्या कर दिए छायांकित कर दिए हैं ठीक है हमने छः वृत्त इसमें एक छायांकित कर दिए वृत्तों का एक बटे दो भाग करना था ना तो क्या आया एक बटे दो भाग करके छः तो हमने छः वृत्त क्या कर दिए छायांकित अब इसका सेकंड पार्ट देखिए देखिए सेकंड पार्ट में क्या है बक्सा बी के त्रिभुजों का दो बटे तीन भाग अब इसमें ये बक्सा बी है और इसमें जो ये त्रिभुज हैं इनका दो बटे तीन भाग क्या करना है छायांकित करना है तो हम पहले देख लेंगे कितने त्रिभुज हैं इसमें तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ त्रिभुज हैं इसमें तो नौ त्रिभुजों का कितना भाग करना है दो बटे तीन तो का का मतलब गुणा नौ गुणा दो बटे तीन ठीक है तीन एकम तीन तीन तीए नौ तीन को दो से गुणा करेंगे तीन दुनी छः तो मतलब इसमें भी हमने छः त्रिभुज क्या करने हैं छायांकित करने हैं तो देखिए इसमें मैंने ये पहले छः त्रिभुज क्या कर दिए हैं छायांकित कर दिए हैं ठीक है थीक्या? ये था बी पार्ट सेकंड पार्ट था फोर्थ क्वेश्चन का अब थर्ड पार्ट करेंगे देखिए थर्ड पार्ट है बक्सा सी के वर्गों का तीन बटे पाँच भाग अब इस बक्से में हमें वर्ग दिए गए हैं ये इनका हमने तीन बटे पाँच भाग क्या करना है छायांकित करना है तो पहले वर्ग देख लीजिए कितने हैं ये तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह और तीन पंद्रह पंद्रह वर्ग हैं कितने वर्ग हैं पंद्रह तो पंद्रह वर्गों का।, का का मतलब गुणा कितना भाग तीन बटे पाँच भाग करना है तो पाँच एकम पाँच पाँच दिए पंद्रह तीन को तीन से गुणा करेंगे तीन तीए थी नौ मतलब हमें नौ वर्ग क्या करने हैं छायांकित करने हैं तो देखिए मैंने इस वर्गों में से कितने वर्ग छायांकित कर दिए हैं नौ वर्ग छायांकित कर दिए हैं ठीक है तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए ठीक है हमने इसमें ये ज्ञात करने हैं इसके पार्ट दिए गए हैं ये पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए चौबीस का एक बटे दो ये हमें ज्ञात करना है तो चौबीस का एक बटे दो क्या होगा चौबीस का का मतलब क्या होता है गुणा और ये एक बटे दो अब इसे काट लीजिए दो एकम दो और ये भी दो पे कटेगा दो एकम दो दो धुनी चार तो क्या आया हमारे पास बारह तो चौबीस का एक बटे दो क्या होगा बारह अब देखिए दूसरा पार्ट है छियालीस का एक बटे दो तो छियालीस का का मतलब क्या होता है गुणा और एक बटे दो अब देखिए ये किस पे कट रहे हैं दोनों दो पे कट रहे हैं दो एकम दो 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 दुनी चार और दो तीए छः तो क्या है हमारे पास तेईस तो छियालीस का एक बटे दो क्या आ गया तेईस मैं इसके बटे में एक इसलिए नहीं लिख रही हूँ तो हम... क्योंकि बारह बटे एक लिखूँगी तो भी उसका मतलब क्या होता है बारह ही होता है ठीक है अब इसका बी पार्ट देखिए बी पार्ट का पहला क्वेश्चन है अठारह का दो बटे तीन तो अठारह का का मतलब गुणा और बटे में दो बटे तीन गुणा साथ में क्या आ गया दो बटे तीन अब देखिए किस पे कटेगा तीन एकम तीन और तीन छिके अठारह ये दोनों तीन पे कट रहे हैं अब छः को दो से गुणा कर देंगे छः धुनी बारह ठीक है जब हम काट रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही एक ही संख्याएँ से एक ही संख्या से कटनी चाहिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए बी पार्ट का सत्ताईस का दो बटे तीन तो सत्ताईस ठीक है का का मतलब दो बटे तीन अब इसे भाग दे दी मतलब काट दीजिए कितने पे कटेगा तीन कम तीन तीन में सत्ताईस तो क्या आ जाएगा नौ को दो से गुणा कर देंगे नौ दुनी अठारह ठीक है अब सी पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए सोलह का तीन बटे चार सोलह का का मतलब गुणा और ये तीन बटे चार तो कितने पे कटेगा चार एकम चार चार चुके सोलह चार को तीन से गुणा कर देंगे चार तीन बारह ठीक है अब इसका सी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है छत्तीस का तीन बटे चार तो छत्तीस का का मतलब गुणा और तीन बटे चार ये किस पे कटेंगे चार एकम चार चार निमें छत्तीस नौ को तीन से गुणा कर देंगे नौती सत्ताईस अब डी पार्ट करते हैं डी पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए बीस का चार बटे पाँच बीस का का मतलब गुणा और चार बटे पाँच ही किस पे कटेगा पाँच एकम पाँच पाँच छुके बीस चार को चार से गुणा कर देंगे चार छके सोलह अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पार्ट का पैंतीस का चार बटे पाँच पैंतीस का का मतलब गुणा और चार बटे पाँच ठीक है पाँच एकम पाँच पाँच सत्तर पैंतीस सात को चार से गुणा करेंगे सात चौके के आंसर तो आज हमने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू